उससे मिला के बगला भी ना छपा कहने का तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर की औषधियां या स्थूल शरीर के डॉक्टर तो तुम्हें कई मिल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के डॉक्टर नहीं मिलते। और मैं सच कह रहा हूं, इस जगत की बीमारी स्थूल शरीर की नहीं है, इस जगत की बीमारी सूक्ष्म शरीर की। इस जगत में जो हिंसा है, अपराध है, इस जगत में जो प्रेम की कमी है, इस जगत में जो डिप्रेशन है, अवसाद है, इस जगत में जो डायबिटीज है, ब्रेन हेमरेज है, शुगर है, ये सारी जो बीमारियां हैं, इसका मूल जो है वो सूक्ष्म शरीर। क्यों तनावग्रस्त आदमी न सो पाता, सोएगा नहीं, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी, शौच साफ नहीं होगा, पेट में मल भरा रहेगा, गैस बनेगी, शरीर में सोएगा नहीं, शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा, नस नाड़ियों के अंदर अम्लीयता जाएगी, शरीर के मसल्स की, शरीर के मांस को कहना है, नस नाड़ियों की क्षमता कम हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगा शरीर, उससे मस्तिष्क की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, मस्तिष्क शरीर को स्वस्थ रख नहीं पाएगा, जहां भी कमजोरी मिली वही बीमारी हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, ये लीवर है, गुर्दे है, शुगर की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाना है, हमारे इंदौर में तो भैया हम अखबार में कभी कभी देखते ही हैं कि यहाँ तो 10-5 रुपए के पीछे लोग चाकू और भूख होते हैं, रुपए के लिए नहीं, भूख के पीछे नहीं होते, उनका अंदर का जो अवसाद है, असंतुलन है, बीमारी है, उसकी वजह तो कितना जरूरी है ध्यान करें, और ध्यान करें और सूक्ष्म शरीर की बीमारियां ठीक हो, और सूक्ष्म शरीर की अंदर की बीमारियां ठीक हो तो सूक्ष्म शरीर निरोग हो जाए। जैसे मैंने बोला ताकि का ध्यान करने से विचार कम होते हैं, विचार कम होते हैं तो विचार करने में जो ऊर्जा आप व्यस्त में खो रहे थे वो आपकी बस्ती और उस शरीर के रीऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, शरीर के पुनर्निर्माण में काम आती है। तो ध्यान इसलिए मत करोगे ध्यान स्वस्थ रहे, ध्यान इसलिए कर लो कि परिवारों में प्रेम रहे, तुम चिड़चिड़े रहोगे, तुम परेशान करके तनावग्रस्त रहोगे तो अपनी पत्नी को कहां से प्रेम दे पाओगे, अपने बच्चों को कहां से प्रेम दे पाओगे, संतुलन की निर्णय कहां से कर पाओगे, परिवार की समस्याओं के समाधान कैसे खोजोगे, अस्वस्थ हो गए ना मानसिक रूप से, भाई क्या ऐसा संतुलन बिगड़ा तो मानसिक रूप से तो जहां प्रेम करने का ही होगा तुम्हारे अंदर का जो सेटअप है, तुम्हारे अंदर का जो ये सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, ये सॉफ्टवेयर करेक्ट हो गया भैया वायरस घुस गया, ध्यान करना, ध्यान करोगे तो ध्यान एक तरह का एंटीवायरस है, वो तुम्हारे अंदर के वायरस को निकाल के मार देगा, किक कर देगा, डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा, तुम्हारा कंप्यूटर एकदम ओके हो जाए, स्पीड बढ़ जाएगी कंप्यूटर की, प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी, दिमाग तो वर्तन कंप्यूटर के समान, तनाव होगा वो वायरस के जरिए स्पीड को कम करता है, फाइल को करेक्ट करता है, भैया हमको तुमको समझाने के लिए सब पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो आज के जमाने के आदमी पुरानी बात, हम तुम्हारे सामने दुर्दे हुए नहीं, और दुर्दे भी आप वहाँ बोल कर बैठ जाएंगे तो तुमको तुम्हारी बात सुनने वाले तो हो, क्योंकि यार बाबा जी ये तो बोल ये कथा है तो बहुत ठंडी हो जाएगा, तो ध्यान कर लो क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो दिमाग कंप्यूटर है वो सही बात नहीं कर सकता, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। मेरे गुरु महाराज से एक दिन एक संत ने पूछा, सुबह 5 बजे और संत जो है वो
खटखटाते हुए लकड़ी और 5-6 किलोमीटर घूम गया। लोग कह रहे वाह वाह ये तो बहुत अच्छे संत है, ये तो बड़े लंबन कहते हैं, व्यायाम करते हैं, बड़े अच्छे संत है, क्योंकि गधे गधे की तारीफ कर लेता है। तो गुरु महाराज से एक दिन आया मिलने, बोले गुरु जी हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते, उधर भी चलो। तो ब्रह्म वेता है और संत महाराज जो लोग तो कपड़े मपड़े पहन के उस स्टाइल में आने, ये हमने पहले बताया। गुरुदेव का भैया सुनो, हम इतना खाते ही नहीं आए, ढूंढ के बचाना पड़े हमको, यानी युक्त आहार विहार से युक्त करना उचित है, उतना ही खाते हैं जितना हमको जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शरीर मोटा होना, इसका पता नहीं। फिर वो चले गए संत महाराज, तो गुरुदेव ने मेरे से कहा, उससे कहा स्वामी तो था ही नहीं, उनका सिर से सुनो, ध्यान करने से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाएगी गुरुदेव, और घूमने घामने की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को ले मेरा भाव बात सही, ध्यान करने मात्र से आपका मोटापा ठीक हो सकता, क्योंकि ध्यान में जो कैलोरी जलती है वो किसी में नहीं, ऐसा कर सकता। और ध्यान में ऐसा कैलोरी नहीं जलती है, ध्यान करते हैं आपकी एसेंशियल जो कैलोरी है वो नहीं। अगर कोई कमजोर आदमी ध्यान करेगा तो इसका बड़ा इसका मानता है कि उस आदमी को जो है संतुलन और शक्ति आएगी, और कोई मोटा आदमी ध्यान करेगा तो कैलोरी जल्दी। एक दिन क्या हुआ कि ये तो बात पुरानी है, तो रामदेव बाबा को भी जानता नहीं था, ये बात सन 88 की बात। तो गुरु महाराज के पास एक योगी आ गया भैया, तो योगी आए तो गुरु महाराज के आश्रम में उन्होंने तरह तरह के जो है उन्हें भी धोती पचोरी बस्ती कुंज का पाल भाजी ये सब करा। तो पहले से कहे बैठे थे नाक पर पता है कहे थे, तो गुरु महाराज हमारा आकर्षण भी था उसमें योग। तो गुरु महाराज से बोलते हैं कि आप योग सीख लो, योग हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा भैया हम योग सीखे जाते हैं, ये योग जो है आप ही सीखो, हम नहीं सीख सकते, आप बड़े महापुरुष हम योग नहीं सीख सकते। किसी जीव खेत के पीछे पलटना और पेट अंदर घुसेड़ लेना, वो ये सब ये टांग उठा के इधर रखना, उसको टांग उठा के उधर रख लेना, वो तो चले गए। गुरु महाराज ने उनको ठान लिया, हमसे गुरु महाराज मिले, हमने गुरु महाराज से कहा भगवान आप योग को नहीं सीखते, हम भी सीख लेते, क्योंकि हम भी योगी रहे पुराने, तो ये कुछ स्पेशल आदमी दिख रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मत कर साना यहाँ, मत कर कठिन आत्म भाव के पाए के सब कुछ होता। उन्होंने कहा कि देखो यदि तुम ये जो साक्षी का ध्यान कर रहे हो तो आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, वो प्राणायाम तो ऑटोमेटिक होने लग जाते, आपके शरीर को जिस तरह की श्वास की जरूरत है कभी वैसा श्वास लेने लग जाएगा। अगर आपको भस्त्रिका की जरूरत है शरीर में भस्त्रिका भी होने लगे, और आपको चांदी भूसी अगोची मुद्राओं की आवश्यकता तो होने लगे, बंद की जरूरत है तो मूल बंद ज्ञान बंद ज्यादातर बंद आपको लगता है। और हम तो आज सब बता रहे हैं, मालूम है ना कि जब ध्यान में बैठते हैं छोटे या जमीन से गिर जाती है तो ये लग जाता, ये बंद लग जाए, पेट अंदर की तरफ खींचता है, ये उठ जाता है, नीचे त्रिकोण होती है ये हो गया, अमूल बंद रहता है, ये सब हो जाए।
तो मैंने कहा गुरुदेव वो जरा अच्छे से समझाइए। तो गुरुदेव ने कहा योग कारण से शरीर की स्वस्थता के लिए योग ठीक है, अपन योग के विरोधी नहीं है। भैया जब भूखे मर रहे हो तो भीख मांग कर खा लो, जब कुछ ही नहीं आ रहा तो मैं तो योग नहीं कर लू ना, शरीर तो ढंगा रख लू। बोले कि बेटा प्राणायाम करना ये इसलिए ठीक है कि भैया तुम अंदर का आयाम जानते नहीं हो तो प्राण का ध्यान करो। लेकिन उनका गुरु महाराज ने कि बेटा शरीर और प्राण और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार इनकी साधना करने से तुमको स्वस्थ शरीर मिल सकता है, तुम बड़े बढ़िया बन सकते हो, बड़े बढ़िया आदमी बन के जी सकते हो, तुम सतोगुणी बन सकते हो, रजोगुणी बन सकते हो, तमोगुण से मुक्त हो सकते हो, लेकिन निर्गुण अवस्था नहीं जा सकते। गुणातीत गोति समीक्षम गिरीशम, परमात्मा गुण से रहती है। तो मैंने कहा गुरु महाराज ये लोग कर रहे हैं, बोले बेटा ये लोग कर रहे हैं इनको करने दो, तुम तो मान सरोवर की उड़ान वाले हो, उड़ने दो इनको। तो फिर उन्होंने मुझे इसका रहस्य बताया। गुरुदेव ने कहा कि देखो मन की जो शरीर की साधना है, परमात्मा शरीर से अलग है, शंकराचार्य बेवकूफ तो नहीं है ना, शंकराचार्य तो परमात्मा भगवान शंकर के अवतार माने गए। उनने कहा मनो बुद्धि अहंकार स्थानी नाम, कुछ लोग कहते हैं उनका भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मत है, तो उन्होंने उसके लिए कहा था जो अत्यंत का वृद्ध आदमी जो है संस्कृत की वो व्याकरण सीख रहा था, उन्होंने कहा अब क्या फायदा संस्कृत की व्याकरण सीखने, अब कम से कम भज गोविंद गोविंद ही भज। तो लोगों ने कहा कि वो उठा लिया, अरे युवा आदमी के लिए बात अलग है और वृद्ध के लिए बात अलग है। युवा आदमी हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे जागो जानो अपने आप को जानो, और वृद्ध आएगा तो हम भी कहेंगे कि भैया तो ठीक है हमारी बात को तुम्हारे सुनने की शक्ति है नहीं, कान भी खराब हो गए और बुद्धि भी कुंठित हो गई और उसके संस्कार घुसित तो भर जाएंगे, इतने रिजिड हो गए और बात मान नहीं सकोगे, चलो भगवान हो सकता है जन्म में परमात्मा के पद। सतगुरु ने कहा कि देखो चूंकि हम बचपन से और पिछले जन्मों से परमात्मा की खोज में लगे थे तो हम एकदम तुरंत हमारे अंदर से स्वीकृत किया कि होते थे और हमारी जागरण में एक ब्रह्म ज्ञान का उदाहरण है। अब ये जो विषय है ये अपन किसी दिन बाद में करेंगे, लेकिन आज का मूल जो विषय था वो ये था। आप जो कह रहे थे कि गुरु महाराज ये बताओ कि सदगुरु का आदर गुरु कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, तो तरीका मतलब सदगुरु का जो है मुख्य गुण यह है कि वो अपने स्वरूप में अंतर अवस्था में खड़ा है कि नहीं, एक बार। दूसरा सदगुरु एक सदगुरु सैकड़ों दिवाली एक सदगुरु सैकड़ों माँ के समान होता है, उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है और वास्तविक प्रेम होता है। जैसे मेरे पास कोई आए तो मैं गुणागुण नहीं है, सदगुरु गुणागुण नहीं है। सुधा जी ने कहा ना एक लोहा पारस पूजा में रखा और एक घर बदी को पड़ो पारस कछु बेर नहीं जाने कंचन पर। सदगुरु ये नहीं देखता कि आप शराबी हैं कि आप कबाबी हैं कि आपने आपने
कौन कौन से बुरे काम किए हैं। यहां तक कोई प्रॉस्टिट्यूट भी अगर आ जाए, जैसे गंगा माँ है, गंगा माँ, गंगा माँ के अंदर कोई भी स्नान करे उसको भी वो पावन और पवित्र करती है, निर्मल करती है, शीतलता देती है। कुत्ता नहा ले, बिल्ली नहा ले, गधा नहा ले, कोड़ी नहा ले, वैश्य नहा ले, सज्जन नहा ले, साधु नहा ले, कोई भी नहा ले, वो तो सतगुरु में दूसरा गुण है। सतगुरु किसी से गुनाह नहीं करता, वो प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है। सब इसको कहा है कि जग की झूठी प्रीति में रे मन मत उलझाए, सतगुरु दे दे प्रेम जो तो ही प्रेम कहाए। सतगुरु जो प्रेम देते हैं वो देते जगत आपको प्रेम देते, वो प्रेम से परिचित नहीं है, खुद ही तो प्रेम ले लेगा कंगला बुखड़ा, जो कंगला है भुखड़ा है, जिसके पास कुछ खाने नहीं है, वो तुमको क्या देगा 10 लाख रुपए दान, खुद तो मरा जा रहा है, जगत का आदमी खुद तो मरा जा रहा है, लेकिन धन किसी का लूट लूं, कमा लूं, खसोट लूं, बेवकूफ बना के कमा लूं, खुद ही तो स्त्री है पुरुष है, खुद तो मरा जा रहा है कि स्त्री स्त्री का आदमी शोषण ज्यादा से ज्यादा पुरुष को समय कर लूं, स्त्री सोचती है मैं पुरुष से ज्यादा से ज्यादा आनंद ले लूं। जब भी तो ये दुनिया भर की व्याग्राम बनानी, ये दवाएं चल रही है, इतना चल रही है, इन शोषण के लिए तो चले रही है। जो है शिष्य है अमेरिका में, तो अभी क्या हुआ कि 4 दिन पहले उसका दिल्ली आया, तो अब जैसे मेन बातचीत करते हैं तो आप देखते हैं कि आई एक्सट्रीमली लव यू, आई हार्डली लव यू, ऐसी बातें करती हैं, सभी को लिखते हैं पुरुष और स्त्री कोई उसके अंदर करने वाली मत थी कि उसका मन खड़ा हो गया, उसके मन ने जो है कुछ एक अर्थ पकड़ा, तो उसने लिखा कि स्वामी जी आई विल नॉट कम टू इंडिया फॉर सेक्स, आई वांट टू डिवाइन दम। तो फिर मैंने उत्तर में लिखा कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा, सेक्स शब्द का प्रयोग ही क्यों किया जबकि हमने सेक्स की कोई बात ही नहीं करी। तो उसका फिर थोड़ा जा तो उसने कहा कि लोग सॉरी सॉरी स्वामी जी, अमेरिका में जो लोग हैं स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, गुरु हैं, वो अपने शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ऐसा है प्रदूषण हो गया है कि लोग कोई एक सच्चा आदमी होगा तो लोग उसका भरोसा नहीं करते, लोगों का भरोसा उठ गया, वो वाली बात हो गई कि भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है। एक कारण है कि ज्ञानियों के पास लोग आ नहीं पाते, क्यों कि वो ज्ञानियों को इतने जले भुने होते हैं तथा कहते फेक गुरुओं से कि उनका सर्व प्रकार से शोषण कर लिया गुरु। तो दूसरा लक्षण मतलब गुरु का एक लक्षण है गुरु आपका शोषण किसी भी तरह, गुरु आपका शोषण। हाँ गुरु भी जीवित व्यक्ति है, उसको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, तो गुरु का जहां तक जो मिलेगा वो स्वीकार तो करेगा क्योंकि प्रेम से दोगे तो लेगा, शोषण नहीं करे, लेकिन उसकी जरूरत से ज्यादा अगर पैसा आया, कपड़े आए, फल आए, दूध आया, भोजन आया, तो बांट देगा, प्रसाद प्रसाद के रूप में जरूरतमंदों को मिल जाए। उसके बाद धन आया तो उसके आश्रम में कंप्यूटर आ जाए तो वो देश विदेश तक लोगों को अपने संदेश पहुंचा पाए। उसके बाद धन आएगा तो जैसे तुम ये मोबाइल कैमरा लगाए ऐसा कैमरा आ जाएगा तो उसकी वीडियो बने और वीडियो लोग बने। उसके बाद धन आएगा तो उसकी पुस्तकें छप जाएंगी, लोगों के हाथों में उसकी पुस्तक
वो ऐसा नहीं है कि धन आ गया तो सेवा निष्कार होटल में जाकर लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा, वो मजे नहीं है, अय्याशी नहीं करेगा। वो जनक थे, जनक राजा जनक थे, उस पर धन नहीं था क्या? वो ज्ञानी नहीं थे क्या? एक राजा की बात कर रहा हूं, राजा जनक पे धन नहीं था, राजा विक्रमादित्य के पास धन नहीं था, राजा राम के पास धन नहीं था, राजा कृष्ण के पास धन नहीं था, सम्राट थे वो द्वारकाधीश, भगवान शंकर के पास धन नहीं है क्या? कुबेर जी का खजाना भी है, तुमने सुना भगवान शंकर की याद है, धन्य है परमात्मा की कृपा। विश्व के सबसे बड़े गुरु जगत गुरु, तो धन आएगा तो परमात्मा, धन आएगा तो मानवता की सेवा में लगेगा, धन आएगा तो ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगेगा, धन आएगा तो ध्यान के शिविरों में लगेगा, धन आएगा तो गरीब विद्यार्थियों की पुस्तकें और वस्त्रों में लगेगा, कपड़ों में लगेगा, धन आएगा तो अनाथ आश्रम बनने में लगेगा, धन आएगा तो गौशाला में लगेगा, धन आएगा तो गरीब बेसहारा स्त्रियां जिनके साथ दुर्व्यवहार किया है समाज ने, जिनको कहीं प्रेम नहीं मिला है, जिनको कहीं देखरेख नहीं मिली है, जो रुगण हो चुके हैं, जिनके के शरीर में जिसको बीमारियों ने पकड़ लिया है, उनकी देखरेख के इलाज, जो सच्चे सदगुरु होते हैं उसके जो उनका भोजन और वस्त्र है उसके आधार पर कुछ उपयोग नहीं करते। ऐसा बात नहीं। अब एक मुझे बात और याद आती है, एक इंटरनेट पे एक और सज्जन थे, इंटरनेट के भी एक प्रॉब्लम, तो हमने दीपावली की बात हार्दिक बधाई हिंदी में लिख दिया, सब ग्रुप में डाल दी, अब हमें क्या आना उनका ग्रुप क्या मनता है कि कहाँ कहाँ है कि कहाँ कहाँ नहीं है, हम नहीं जानते उनका सरनेम एवोटिक था, तो एवोटिक कार्य होते हैं वो जानते। अब उन्होंने साहब हमारे जो है हम हमको मैसेज भेजा कि हमारे ग्रुप में हम सिवा अंग्रेजी के कोई दूसरी भाषा की जो है टिप्पणी नहीं देते, आई विल डिलीट योर कमेंट यू सेंड इन इंग्लिश, और मैं बाबा आदमी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो है नहीं, मैं तोड़ तोड़ के इधर का सब उधर लाता हूँ, टांग को फीट के देता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहा था मैं ले भी लिख देता हूँ, फीट की जगह फुट लिख देता हूँ, तो मुझे तो अंग्रेजी आती है और मेरे पास इतने अंग्रेजी जानने वाले शायद भी नहीं है, क्योंकि हम तो ब्रह्म व्यक्ताओं के पास अच्छे लोग नहीं आते, ऊंचे लोग नहीं आते, ऊंचे लोग तो कलेक्टर बनने जाते हैं, कमिश्नर बनने जाते हैं, या वो नेता समझे मिनिस्टर बनने जाते हैं, यहाँ कौन आएगा, यहाँ तो सब मान करना मान यहाँ आता था। तो हमने जैसे जैसे कोशिश करके जो तोड़ के उसके काम से सेट करे और उनको भेज दिया और उनको निवेदन कर दिया कि भैया गूगल से काम सेट कर लिया, उनके तो इससे पे चोट लग गई है, इनका इनका पे चोट लग गई तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि मैं कभी मान और अपमान से परे हूँ, लेकिन ये गुरु का अपमान किया है, आज बिल्कुल खड़े नहीं हुए, और अगर मैं इसको श्राप नहीं देता हूँ तो संसार का नियम भंग हो जाए, गुरु का सम्मान नहीं करेंगे फिर से। तो मैंने कहा कि भाई अब क्या करना, तो मैंने फिर उसको उसका उसका न को उघाड़ कर उसको बताया कि तू भैया हमको कह रहे हो जो तो मत तुम्हारे अंतर है, तभी तो हमारे बारे में रिस्पेक्ट हो रही है, दूध वाला दूध ही बांटे और मांस बेचने वाला मांस बेचे, नाई बाल काटे, कुमार घरे बैठे, ऐसे संसार में जिस व्यक्ति की वृत्ति जिस तल पर होती है वो तल को उसी ढंग से देखता है। हालांकि वो अहंकार के भरे हुए व्यक्ति थे, बात को उन्होंने मानी नहीं। एक व्यक्ति और मैं बताऊं,
हिंदुस्तान बनारस में रहते हैं, उनने हमारी बात मानी, क्षमा याचना की, हमारे मित्र बन गए, उनको लाभ नहीं मानी तो हमने देखा कि अभी तो थोड़ी ऊर्जा बर्बाद नहीं, एक दो सब्जेक्ट के बाद हम लोग रोटी नहीं खाते। कहने का तात्पर्य कि सतगुरु का एक गुण देखिए, लेकिन सतगुरु की करुणा इस रूप में भी प्रकट होती है कि आप अत्यंत अयोग्य कर्म में सतगुरु से बात करेंगे तो सतगुरु आपसे थोड़ा किनारा कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो अभी उन लोगों के लिए जरूरी है जो परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। माँ का दूध उसके बच्चे को पिलाती है, कोई बाजार में माँ का दूध नहीं मिलता 50 रुपये लीटर में, कहीं मिलता तो बता दो इनको किसी दुकान में माँ का दूध बिक रहा हो 50 रुपये लीटर में, नाम मदर डेयरी मिलेगा लेकिन मेहनत का दूध मिलेगा जाएगा मिलेगा माँ का नाम में मदर डेयरी, मदर डेयरी नाम से लोगों ने डेयरी खोली हुई है। तो सतगुरु माँ के समान सतगुरु अपने जिस प्रकार की संभावना होती है उसमें उसके लिए मैं सोचता हूँ कि आज सतगुरु से चर्चा फिर भी मैं दो तीन बातें आपको बताई, पहली बात तो मैंने बताई कि सतगुरु सहनशील होता है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सतगुरु माँ के समान होता है, तीसरी बात मैंने बताई कि सतगुरु अत्यंत क्या पुरुष होता है उसकी कृपा और होते हैं, चौथी बात बताई कि सतगुरु पहली बात बताई कि सतगुरु अवस्था में अंदर की अवस्था में व्यक्ति होता है, और अंतिम बात मैंने बताई कि सतगुरु अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों को लगाता है पूरी तरह से जिन लोगों के जागने की संभावना होती है, तो फिर इसी बात